जी माशाल्लाह मोहम्मद शाह मीर जो है ईद की तैयारी करके आए हुए हैं, अभी ईद पढ़ने के लिए जाएंगे। और मोहम्मद मुहिदुल हसन मुर्तजा साहब हाफिज़ साहब ये भी तैयारी करके आ चुके हैं जी, इंशाल्लाह निकलेंगे ईद की तरफ। सरमद और वलीद जो है वो भी तैयारी करके आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त ईद की सुबह का टाइम है, मस्जिदों में तकारीर हो रही हैं, अभी ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। और मेरे बच्चे वलीद भी आ गया और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके जाए नमाज़ें उठा के तैयार खड़े हैं। अभी इंशाल्लाह हम निकलेंगे मस्जिद की तरफ। और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े पूरे हुए, कल का मैंने व्लॉग तो बनाया था, हमने कोई ईद पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन वो कल मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि कल जो है नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम आ रहा था कि कोई भी यहाँ पर हमारे जो सिटी है इसके अंदर नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, काले तक नहीं हो रही थी इंटरनेट, तो बड़ी दूर की बात है, तो वाईफाई जो है वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो बहरहाल अभी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ अभी जाएंगे, शेयर करेंगे। और आगे कल का जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ी सी ऐसे दिखा देंगे आपको। और 30 रोज़े भी हुए, सबको मेरी तरफ से रोज़ों की, तमाम इबादत की और ख़ास तौर पर ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, ऐसी हज़ारों खुशियाँ अल्लाह ताला आपको दे। तो आज इसी तवसल से अपने व्लॉग की मदद से अपने तमाम व्यूवर्स को, अपने तमाम चाहने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। माशाल्लाह जी मेरे चारों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। और सरमद साहब ने कि ये लुक आपको दिखा दूं, यार ये घड़ी तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी पहनी हुई है। और ये जनाब सरमद साहब की लुक है, ये मुहिदुल हसन साहब जाए नमाज़ें उठाए तैयार हुए खड़े हैं, मोहम्मद शामीर साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, और इसके साथ वलीद मुर्तजा भट्टी साहब ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे। और जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुझ समेत मेरे बेटे हम जा रहे हैं जी नमाज़ पढ़ने के लिए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमें इस तरह की खुशियां दे, आप सबको इस तरह की खुशियां दे। तो अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं नमाज भी। और कि अच्छा, इस नमाज में एक तरीक़ेकार होता है, खैर वो तो अब पढ़ चुके होंगे, बताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ कि इसमें जो तकबीरें होती हैं वो किस वक्त होती हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं, हमें याद रखनी चाहिए, वो सारा कुछ मैं बच्चों के साथ भी शेयर करता हूँ। اللهم آمين जी। तो दोस्तों आपको ईद का खाया कि ईद नमाज किस तरह पढ़ी, तमाम इस वक्त मेरे बच्चे अपनी फूफो के घर आए हुए हैं ईदियाँ वसूल करने के लिए, और अब हम जाएंगे यहाँ से घर, फिर उसके बाद हम भी इंशाल्लाह ईदियाँ देंगे। बाजी को तो मैंने दे दिए, बाकी बच्चों को मैंने अभी देनी है, नए नोट मेरे गाड़ी में पड़े हुए हैं, वहाँ से उठाएँगे और इनको आके देंगे। आज कबाड़ पे एंगल तो बड़ा हुआ और सरपणे ने, आप भी ईद मिलो भाई, बड़ी भी हजार दे रही। अच्छा है क्या लसुन्नत के मुताबिक? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ईद मुबारक भाई। आप भी तो मुझे बोलो ना, ईद मुबारक बोलो। ये जी माशाल्लाह ईद के लिए नया किचन बनवाया, सिर्फ ईद की खुशियों के लिए ईद वाला किचन बनवाया, घर वाला बनवाया। ये जनाब
माशाल्लाह बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त खाली डाइनिंग टेबल बाकी है। ये न्यू स्टाइल के चूल्हे जो बिल्कुल इसमें फिक्स होते हैं बटन के साथ। वाह जी वाह। अच्छा ये क्या चीज़ दसे ना? ए ता ए लाइट है इथा यानी कुकिंग द टाइम उतू लाइट होवे ते ए ए एग्जास्ट इथू कर के दे उथा ऊंचे से धुआं और भाप। अच्छा 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 ये एग्जास्ट चल रहा है जी इसका। वाह जी वाह जबरदस्त। द लाइट लाइट यानी इथू छुपी हुई है ते कुकिंग वास्ते। ये जी देखिए ये लाइट है कुकिंग के लिए। ये जी मेरे भांजे ने किचन, इनका किचन तो था पहले ज़रा छोटा था, अब इसको माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा करके इन्होंने बनवाया। बड़ी खूबसूरत सी लाइटिंग की है इन्होंने। इन्होंने कहा कि जी हम ईद जो है इस नए किचन के साथ करेंगे। सारा माशाल्लाह ज़बरदस्त अमेरिकन सिस्टम का ये इन्होंने बनवाया है। ये जी इसका आपको सिस्टम दिखा दूं। ये देखिए ये जल गया। भाई आप कहेंगे कि ये तो एक आम चीज़ हो चुकी है इस तरह के चूल्हे देहातों के अंदर ना, ये बड़ी रेयर होती है बग़ैर माचिस के भाई ये जल जाता है। ऐसे यहाँ देहात की किसी औरत को बता दें तो वो कहेगी हैं ये कैसे हो सकता है। ये जी यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है ये बच्चों को ईदी देने के हवाले से चल रही है कि कितने बड़े बच्चे को कितनी दे छोटे को कितनी दे। ये नहीं बच्चों से ही पूछ रहे हैं, देखो वो क्या कहते हैं। ये वाले ईदियाँ बांटी जा रही हैं जी। आप सबको मिल गए ना भाई? नहीं। हाँ आपको भाई कैमरे में बात हो रही है ऐसे। मैंने सबको दे दी भाई, आपने कैमरा एंड में ऑन किया। ओए मोहम्मद शमीर आपको मिल गई थी? वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह। ये हमारी वो टीम है जो हमारे जवानी में खेला करते थे सारे इकट्ठे मिलके। तो ये सब कुछ इसमें नए बच्चे भी हैं और कुछ हमारे साथी पुराने क्रिकेट खेलने वाले। ईद का दिन है तो इन्होंने कहा है कि जी हमारा साथ एक चलो ग्रुप फोटो हो जाए। बहुत मेहरबानी जी जी। सुबह सुबह हमें सवैयाँ खिला दी, फिर हम ईद पढ़ने चले गए। अब समोसे पकोड़े दही बड़े और साथ केचप ये अब आ चुका है। मोहम्मद शमीर भी आ गए हैं, सरमद साहब भी, मुईदुल हसन भी, सारे मिलके खा रहे हैं। अभी हमारे मेहमान आने हैं, हमारे अपने बड़े भाई की फैमिली, सारे बच्चे क्योंकि भाई तो सऊदी अरब है तो उन सबको अम्मी जी वो सब आ रहे हैं मुल्तान से। ईद पढ़ के उन्होंने रवाना होना था तो इंशाल्लाह जैसे ही वो बच्चे आते हैं वो बच्चे भी आपको मिलवाते हैं जी। तो दोस्तों मीठी ईद हो और उसमें मीठी चीज़ें ना हो तो समोसे पकोड़े दही बड़े के साथ साथ खीर आई है जी बन के। खीर बिल्कुल ठंडी यख फ्रिज में से जी आई है जी। ये जनाब बाउल आ गया सवैयों का, खत्म। मीठी ईद है, सवैयाँ और खीर बन के आ चुकी है जनाब। साथ ये दही बड़े पकोड़े समोसे प्योर भैंस का दूध, हमारे देहातों में तो बिल्कुल प्योर मिलता है। इसमें छुआरे और बादाम और इसमें ज़ाफ़रान केवड़ा और पता नहीं क्या कुछ इसमें डाला जाता है। आ गए हैं जी मुल्तान से हमारे अपने बच्चे। कैसे हो अहमद? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र है। ईद पढ़ के आए हो फिर? हाँ जी, तीन नमाज पढ़ के आए। अच्छा चलो माशाल्लाह। क्या कितने बजे हुई थी? यहाँ 7:45 पे हुई है। तो हमारे पास जल्दी होगी। अच्छा तो फिर लेट क्यों आए? बस रास्ता नहीं। अच्छा अच्छा। ये जी हमजा भी आ गए हैं, अहमद थे पहले अब हमजा आ गए हैं, हमजा मिल रहे हैं। ओए वीरू तो बहुत खुश हो गया।
हमजा को देख के हैं रोजे रखे कितने कितने रोजे रखे हो पीछे दो उंगली करके खड़ा है बता बता कैसे हो भाई आप कैसे ईद कैसी गुजरी अच्छी गुजरी जी बाबा होई 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 आज के ईद मुबारक का जो व्लॉग है अब ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसी ढेरों खुशियां ऐसे लाखों दिन आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक लेके आए और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे तो मेरी वही रिक्वेस्ट है तो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया और बेल आइकन के बटन को भी कमेंट्स भी कर लिया करें तो अब मुझे दें इजाज़त और वैसे आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद का जो दिन होता है वो सबकी खुशियों का होता है सारे हमारे मुल्तान वाले भी सारे अपने बच्चे आ गए भाई की पूरी फैमिली आ गई अम्मी जी भी उधर थी वो भी आ गए सारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशियां दुबाला हो गई हैं अल्लाह पाक आप सबकी खुशियां भी दुबाला करें इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने कहा